वेलकम फ्रेंड्स, फिल्म बन्नो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रमशा की वजह से निहाल और बीना का सारा प्लान चौपट हो गया। टिकट और पासपोर्ट्स ना मिलने पर निहाल बीना पर गुस्सा करता है और घर से बाहर चला जाता है। इधर बीना काफी परेशान होती है और वो ये अच्छे से जानती है कि ये टिकट्स और पासपोर्ट रमशा ने छुपाए हुए हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पा रही। निहाल की माँ भी बीना को अच्छी खासी सुनाती है कि सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। दूसरी तरफ निहाल जो टूटे दिल से घर वापस आता है तो रमशा की माँ नित्य तांटे उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि बेटा बीना ने पासपोर्ट और टिकट्स नहीं छुपाए, वो सच कह रही है। मगर निहाल जो आखिर बदगुमान हो ही गया, वो जवाब में कहते हैं कि वो शुरू दिन से नहीं मान रही थी, टाल मटोल कर रही थी। निहाल कमरे में जाकर भी बीना से बात नहीं करता और उससे सख्त नाराज होता है। इधर रमशा इन सारी बातों की खुशखबरी जाकर अपनी खाला रिफत को देती है, वो भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं ओ अच्छा वाकई निहाल बदगुमान हो गया, तो बस उसकी इस बदगुमानी को मजीद हवा दो, बल्कि इस बदगुमानी को ख़त्म ही ना होने दो। अब निहाल की माँ रिफत बेगम को अपनी भांजी उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि उनकी यही लाडली भांजी बहुत जल्द उनकी जड़ें काटने वाली है। निहाल को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी वो तो, मगर निहाल की माँ को अभी इस हकीकत का एहसास नहीं हो रहा और जब होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ बीना का रो रो कर बुरा हाल है, पहले ही पासपोर्ट और टिकट संभाल कर रख लेती तो आज ये मुसीबत ना होती। घर की मुलाजमा बीना को इस हाल में देख कर आके कहती है कि सब रमशा ने किया है, क्योंकि जब मैं आपके कमरे में आई थी रमशा आपके बेड के उस साइड पर खड़ी थी। ये सुनकर बीना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो पहले ही शक था कि सब रमशा ने किया है और अब मुलाजमा के बताने पर वो शक यकीन में बदल गया। मगर अब क्या यही बात मुलाजमा निहाल के सामने बोलेगी, और अगर वो ये बात बोल देती है तो रमशा की शामत आने वाली है निहाल के हाथ में। अब मजीद आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।